आपका फीड बचता है, मतलब कम फीड खा के जानवर वेट गेन करेगा। अगर नॉर्मल बात करके चलते हैं, अगर 250 किलो फीड खा के गेन कर रहा है तो 230-220 किलो फीड खा के आपका जानवर सेम वेट गेन कर लेगा, तो आपका 10-20 किलो फीड बच जाएगा उस फीडर को लगा। भाई उसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ, कितने का मार्केट में अवेलेबल है या मिल जाता है। सभी भाइयों को रिकमेंड करता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका केपी फीड यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से हम अपने फार्म पे छोटे बच्चों को देते हैं फीड, और इन छोटे बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल फीडर लगवाया हुआ है जिसके माध्यम से हम इनको फीड देते हैं। उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं फीड देने के, उससे हमें क्या क्या एडवांटेज मिले हैं फीड देने के, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और आपका फार्म बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज का टॉपिक था, बहुत सारे किसान भाइयों को अपने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, इसमें बहुत सारे किसान भाइयों ने पूछा फीडर के बारे में कि फीडर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम इस वीडियो में उसी को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। आज आपको सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से फीडर का एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और हमें किस तरीके से हम फीडर को अपने फार्म पे यूज़ कर सकते हैं, और हमें कौन सा फीडर लेना चाहिए, कौन सा फीडर नहीं लेना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं फीडर की। आज ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं किस तरीके से आप अपने फार्म पे फीडर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस होने वाला है, वेस्टेज ऑफ फूड, मतलब फीड हमारे इसकी 70-80% खपत फीड की होती है हमारे फार्म के खर्चों में, और अगर आप फीडर नहीं लगाएंगे तो आपका खाना वेस्ट हो सकता है। जो भी राशन आप उनको खिलाएंगे वो नालियों में जाएगा, उनके पैरों में खुंद के बेकार होगा, गोबर में मिल जाएगा, तो ये सब परेशानियां आती हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेजेस आता है कि फीड ख़राब करते हैं जानवर, फीड में गोबर करते हैं और साथ के साथ पेशाब भी करते हैं, तो उससे फीड में स्मेल हो जाती है और काफ़ी बदबू फैल जाती है और फिर उसे जानवर खाता नहीं है उस फीड को, तो वो फीड वेस्ट हो जाता है, उसे दोबारा से रीयूज़ हम कर नहीं पाते हैं तो वो फीड वेस्ट हो जाता है। तो ये दो सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं फीडर ना इस्तेमाल करने के फार्म पे। तो आप फीडर इस्तेमाल करके इन दोनों डिसएडवांटेजेस से बच सकते हैं। तीसरा जो डिसएडवांटेज होता है कि कंटिन्यूस फीड सप्लाई ना होना, मतलब कि हमारे एक बाड़े में सपोज़ करके चलते हैं कि हमारे एक बाड़े में 30-40 बच्चे हैं, जो कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, थोड़े से ऊपर नीचे बैलेंस हो जाता है फार्म में, ये आम बात है। तो फीडर ना होने की वजह से जब हम उन्हें फीड देते हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं फीड, लेकिन छोटे बच्चों को फीड नहीं मिल पाता है। तो जब हम फीडर इस्तेमाल करते हैं तो उससे छोटे बच्चों को भी लगातार फीड सप्लाई और फ्रेश फीड सप्लाई मिलती रहती है, और छोटे बच्चे भी अच्छे से फीड खा सकते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये फीडर लगाने के सबसे बड़े एडवांटेजेस होते हैं। और इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये आपकी कॉस्टिंग बचाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फीडर लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। फीडर लगाने से आपका जानवर 250 किलो फीड खा के 100 किलो का होता है, वहीं आपका जानवर फीडर लगाने की वजह से आपका फीड बचता है, मतलब कम फीड खा के जानवर वेट गेन करेगा। अगर नॉर्मल बात करके चलते हैं, अगर 250 किलो फीड खा के गेन कर रहा है तो 230-220 किलो फीड खा के आपका जानवर सेम वेट गेन कर लेगा, तो आपका 10-20 किलो फीड बच जाएगा उस फीडर को लगाने से। तो लॉन्ग टर्म में आपको फीडर बहुत एडवांटेज देने वाला है। तो आपको अपने दोस्तों आपको अपने फार्म पे फीडर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके के फीडर होते हैं, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। फीडर नॉर्मली दो तरीके के होते हैं, एक प्लास्टिक का फीडर आता है, एक लोहे का फीडर आता है। लोहे के फीडर
इसके इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ लोहे के फीडर के डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ प्लास्टिक के फीडर के डिसएडवांटेजेस हैं। लोहे के फीडर के डिसएडवांटेजेस हैं कि उसमें जंग लग जाता है, उसके बोल्ट टाइट हो जाते हैं, जंग की वजह से खुल नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत जंग भी खाने के साथ चला जाता है, उसे रगड़ के नीचे से उसके तला घिस जाता है और वो फीड नीचे जाने लगता है। वहीं प्लास्टिक के फीडर के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि वो थोड़ा वजन में हल्का होता है, जानवर उसे पलट देते हैं और उसके नट बोल्ट ढीले जल्दी से हो जाते हैं, तो उन्हें आपको रेगुलरली मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये प्लास्टिक के फीडर के डिसएडवांटेजेस रहते हैं, ये और लोहे के फीडर के डिसएडवांटेजेस रहते हैं। एडवांटेजेस इनमें सबसे मुझे जो पर्सनली पसंद आया है वो प्लास्टिक का फीडर पसंद आया है। प्लास्टिक के फीडर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस्तेमाल करते हुए। मैंने लोहे का भी इस्तेमाल करा है और प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करा है। जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो प्लास्टिक का फीडर लगा। उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें जंग नहीं लगता है, तो इजीली हाँ जैसा हमारा फार्म का एटमॉस्फेयर होता है, इंडियन फार्म्स में जिस तरीके से होता है कि धुलाई वगैरह में पानी भी चला जाता है, हर चीज़ चली जाती है, तो वो जंग नहीं लगता, तो वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिक से थोड़ा बहुत इधर उधर घिसेगा, प्लास्टिक घिसती नहीं है, तो कोई भी मतलब उसके तला नहीं गलेगा, कुछ भी उसका गलेगा नहीं। तो प्लास्टिक का फीडर में साफ़ सफाई आसानी से हो जाती है, जंग को छुटाना नहीं पड़ता, जंग लगता ही नहीं है तो जंग छुटाना नहीं पड़ता, पानी मारो साफ़ हो जाता है, पानी से गलता भी नहीं है। तो मुझे दोनों उसके अपेक्षा प्लास्टिक के फीडर के ज़्यादा एडवांटेजेस लगे। तो मैं सभी भाइयों को रिकमेंड करता हूँ कि वो प्लास्टिक का फीडर इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। तो मैं वीडियो ख़त्म करते करते मैं किसान भाइयों से इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ, कितने का मार्केट में अवेलेबल है या मिल जाता है। जैसे अगर हम लोहे के फीडर की बात करेंगे तो वो 8 से 12 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है, डिपेंड ऑन के कितना अच्छी क्वालिटी का लोहा है, पेंटेड है या गैल्वनाइज है या स्टेनलेस स्टील का है। तो उस तरीके से 8 से 12 हज़ार रुपये की रेंज में आपको फीडर लोहे का मिल जाता है। वहीं प्लास्टिक के फीडर की बात करते हैं तो प्लास्टिक का फीडर 5 से 7 हज़ार रुपये की रेंज में आपको अच्छे से अच्छा फीडर मिल जाएगा। और मैं तो रिकमेंडेशन, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा प्लास्टिक का फीडर रहती है। तो किसान भाइयों, मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से आप अपने फार्म पे अच्छे डिसीज़न ले सकें और अपने फार्म को अच्छे से चला सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, ताकि ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको इसी तरीके की कुछ छोटी छोटी यूज़फुल बातें आप तक पहुँचाता रहूँ।